हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। अगर आप भी सीयूटी पीजी 2025 एग्जाम को टारगेट करें तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। एग्ज़ाम के लिए अब हमारा एग्ज़ाम मार्च में होता है, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर हम लोग अच्छे से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि मुझे DU से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट करना है, JNU से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, या फिर नज़दीकी किसी अच्छे से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो वहाँ पर अगर एडमिशन लेना है तो उनका कुछ कट ऑफ रहता है। तो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो कट ऑफ चाहिए, उतने मार्क्स हमारे इस एग्ज़ाम में आने चाहिए। सिर्फ क्वालिफाई होकर इस एग्ज़ाम को नहीं चलेगा, हमें एक अच्छी रैंक के साथ जब जाएंगे तो वहाँ पर एडमिशन हमें मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, कंपैरेटिवली IIT जैम एग्ज़ाम के ये एग्ज़ाम का लेवल बहुत कम है। आसानी से आप अभी अगर BSc थर्ड ईयर में हैं और अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को आसानी से अच्छी रैंक लेकर आसानी से आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो इसलिए है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट करें तो इस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए डिटेल्ड सिलेबस क्या है, आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। सबसे पहली अगर बात करें हम लोग तो अलजेब्रा नाम दिया है एक टॉपिक को उन्होंने, और इस अलजेब्रा टॉपिक के अंदर उन्होंने ग्रुप थियोरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, अबेलियन ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप थियोरी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर रिंग थियोरी के बारे में भी पढ़ना होगा। जैसे कि जब हम लोग BSc थर्ड ईयर में होते हैं तो जनरली हमें रिंग थियोरी इंट्रोड्यूस किया जाता है, ग्रुप थियोरी इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो दोनों आपको पढ़ना है और थोड़ा सा आपको फील्ड थ्योरी का पार्ट भी पढ़ना है। अलजेब्रा में आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी कि ग्रुप रिंग फील्ड के साथ साथ आपको लीनियर अलजेब्रा भी इन्होंने इंक्लूड किया है। ऐसा मत समझना कि सिंपली अलजेब्रा का मतलब लीनियर अलजेब्रा नहीं, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा दोनों को कम्बाइन किया है। तो यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा भी आपको पढ़ना होगा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी पढ़ना होगा। ये डिटेल्ड सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आसानी से एक एक चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ से इन टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करोगे, तो इसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल के ऊपर हम लोग डेली लाइव लेक्चर्स लेते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। सुबह 11 बजे वो लेक्चर होता है, जैसे कि अगले वीक में चंदन सर आपके साथ जुड़ने वाले हैं रियल एनालिसिस लेकर। अब यहाँ पर जैसे अलजेब्रा का हो गया तो इसके बाद हमारे पास रियल एनालिसिस टॉपिक आएगा। तो रियल एनालिसिस के अंदर भी कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम ले लूँ, जैसे कि सिक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सीरीज का कन्वर्जन इस सम क्या आएगी ये टॉपिक। इसके बाद आपको कैलकुलस में आपको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल या लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में वो सब कुछ आपको करना होगा यहाँ पर। उसके साथ साथ यहाँ पर फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के बारे में भी सवाल किया है कि यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स के जो फंक्शंस हैं उनका लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी पार्शियल डेरिवेटिव इनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। और ये सब कुछ आपको BSc सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में दे देते हैं। अगर आपका थोड़ा सा कहीं पर किसी पार्ट वीक है तो आप डेफिनेटली हमारा जो IFS का IIT जैम का चैनल है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें रियल एनालिसिस के बाद आपके पास अगेन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और इंटीग्रल कैलकुलस ये टॉपिक्स भी आपको पढ़ने होंगे। तो जो भी सिलेबस है वो बेसिकली आपका BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इनमें जो टॉपिक्स पढ़ते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर सिलेबस बनाया गया है। और ऐसा नहीं है कि इनमें आपको बहुत डीपली पढ़ना होगा, आपको बस चीज़ों को पता होना चाहिए और वही करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी हम लोगों ने बनाया है CUET PG का। वो रिकॉर्डेड कोर्स है, अगर आपको लगता है कि मुझे इसके लिए जाना है, इस एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो बहुत मिनिमल प्राइस में हम लोगों ने
CVT PG 2025 का एक रिकॉर्डेड कोर्स बनाया है जिसमें ये सारे टॉपिक्स अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो आप उस रिकॉर्डेड कोर्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस में बेसिकली आपको इंटीग्रेशंस के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा कि डबल इंटीग्रल निकालना, वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना, सरफेस इंटीग्रल निकालना, इसके बारे में सवाल। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी बहुत डीप में नहीं है, कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पहली कि जैसे कि डिफरेंशियबिलिटी एंड एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन, देन पावर सीरीज, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। उसके साथ साथ कोशी थ्योरम है, देन यहाँ पर मोरेरास थ्योरम है, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, तो ये वहाँ पर पढ़ना होगा। और इस सिलेबस के बाहर का कुछ भी नहीं आता, तो सिलेबस डिटेल में है, तो आपको यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं उन्हीं टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ पर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, बर्नौली, देन उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, देन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स और कोशी आयलर इक्वेशन, ये दो टॉपिक्स बस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट का आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए पूछ सकते हैं। वेक्टर कैलकुलस में भी आपको जनरली ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्व के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, देन वेक्टर सरफेस इंटीग्रल्स, देन गाउस थ्योरम, ग्रीन्स फंक्शन, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, इनके ऊपर सवाल होंगे। और लास्ट का टॉपिक आपका है LPP का। LPP के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते, जनरली 4-5 क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बाकी टॉपिक्स को अच्छे से करके रखना, क्योंकि इनके ऊपर लगभग सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। इसका CUET PG 2024 का जो पेपर एनालिसिस है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, इसका भी मैंने एक वीडियो बना कर रखा है, तो आप चाहें तो उस हमारे चैनल के ऊपर जाकर उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े, तो आप हमारा IFS का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको कई सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि आपको कई सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। लेक्चर्स तो हमारे चैनल के ऊपर भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, IIT JEE और CUET PG IFS का चैनल। लेकिन उसके अंदर यहाँ पर कई सारे रैंकर्स के स्ट्रेटेजी वीडियोज़ आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, टीचर्स के हैंडआउट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करने के लिए कई सारे लोग ढूंढते हैं यहाँ वहाँ, मिलते नहीं हैं। इन पेपर्स का एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको चाहते हैं तो चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, कि हमारे जैसे गूगल के ऊपर जाओगे और वहाँ पर आप IFASonline.com ऐसे टाइप करोगे, तो पहली जो लिंक आएगी उसके ऊपर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ऑनलाइन प्रोग्राम्स लिखा होगा, तो वहाँ पर CUET PG आपको सिलेक्ट करना है। CUET PG में आप जैसे ही आओगे तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूछेगा, तो फ्री में आपके पास एक OTP आएगा, वहाँ पर डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। CUET मैथमेटिक्स में आ गई, यहाँ पर आप कई सारी चीज़ें देख सकते हैं, लर्न फ्री सेक्शन में जा सकते हैं, एग्ज़ाम्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम डेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर आपको लगता है प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करने हैं, तो आप देखिए 2020 से 24 तक के सारे पेपर्स यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो या फिर आपको लर्न फ्री सेक्शन में जाओगे, तो यहाँ पर आप जैसे कि आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देनी है, तो यहाँ पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसे आप देख सकते हैं, टाइम लगा कर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। PYQs में आपको यहाँ पर एक PYQ का पेपर भी टेस्ट फॉर्मेट में रखा है, उसे आप देख सकते हैं। ये कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम को आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं दोस्तों, और मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप आज का ये वीडियो जो डिटेल सिलेबस के बारे में था, वो सिलेबस आपने देखा होगा, थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन चालू करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।